नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं और अखाड़ा में जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है मंथन अंदर महाराज बाहर। ये आज का ताज़ा विषय है। आपको बता दें, ये तस्वीर मध्य प्रदेश भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक में उस वक्त देखने को मिली जब बैठक शुरू होने के लगभग 20 से 25 मिनट बाद ही सिंधिया अचानक बाहर निकल आए। सिंधिया पहले बंगले गए और फिर दिल्ली के लिए वहां से सीधे रवाना हो गए। सिंधिया के इस वॉकआउट को नरेंद्र सिंह तोमर के साथ चल रही तल्खी को भी माना जा रहा है। 2 महीने पहले इसी तरह सिंधिया के आने पर तोमर ने बैठक छोड़ दी थी। चर्चा है कि सिंधिया ग्वालियर में तोमर समर्थक अध्यक्ष की नियुक्ति और कई प्रशासनिक फेरबदल से नाराज हैं। यूं तो बैठक में कई अहम मसलों पर मंथन हुआ, लेकिन सिंधिया का वॉकआउट और फिर कैलाश विजयवर्गीय का भी बैठक से बाहर निकलना चर्चा का विषय बना है। क्या भाजपा के अंदर चल रही इस खींचतान का असर पार्टी की सेहत पर पड़ सकता है? 2023 बहुत नज़दीक है, या 2023 को नज़दीक देखते हुए ये सब कुछ नए समीकरण बन रहे हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, खास पैनल हमारे साथ होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की एक विषय पर, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, देखिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के लिए एक दिन पहले ही आ गए थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वे बैठक शुरू होते ही बैठक से बाहर आ गए। असल में ज्योतिरादित्य सिंधिया कई कारणों से भाजपा संगठन और प्रदेश सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। जब से इस संदर्भ में बात की तो वह बिना जवाब दिए निकल गए। हालांकि उन्होंने दूसरे सवालों के जवाब दिए। सर, एक तो सर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो के लिए निकले हुए हैं, सर कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है उनकी सियासत पर? जनता जवाब दे देगी। भारत जोड़ो के लिए जो निकल रहे हैं, स्वयं पार्टी का क्या हाल है, जनता जवाब देगी 23 में और 24 में। सर, बैठक आज बहुत महत्वपूर्ण 2023 के चुनाव के लिए। सर, इस सर तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की यात्रा पर उन्होंने ज़रूर बात की, लेकिन बैठक को लेकर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। और उनके तमाम समर्थक मंत्री भी जो हैं वो निकले हैं, बैठक में कोई भी जो जिनका शामिल होना था वो नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी की कई वजह हैं। इस बार सिंधिया अपने क्षेत्र की एक जिला अध्यक्ष को बदले जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों के विभागों में अधिकारियों की पोस्टिंग से भी नाराज हैं। सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विभाग पंचायत विभाग में प्रमुख सचिव सिंधिया अपनी पसंद का चाहते थे। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिवों को लेकर सिंधिया की नाराजगी बताई जा रही है। हालांकि इस संदर्भ में जब दूसरे नेताओं से बात की तो सबने बयान अलग अलग नजर आए। सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट और राजवर्धन सिंह दंतीगांव ने कहा सिंधिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सत्यनारायण जटिया ने कहा कि सिंधिया व्यस्तताओं के कारण बैठक में भाग नहीं ले पाए। की बैठक सर हुई है, कुछ बड़े निर्णय इसमें कुछ विशेष अब कोर में तो इस शोर तक बातें होती है और वो पार्टी के स्पोक पर्सन बोलेंगे जरूर। सर, सिंधिया जी अचानक चले गए, उसको लेके बड़े शायद मुझे पता नहीं है, परंतु पूछा जा सकता है कि जो भी कोई उस वक्त में नहीं था तो जो भी रहे होंगे उनसे पूछा जा सकता है, कोई कारण होगा तो बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा देखिए व्यस्तता भी रहती है ना, तो कई बार जैसे आकर के जाना कोई विषय ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के पुराने नेताओं के बीच टकराव यह नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह आज सिंधिया ने खुलकर मोर्चा खोला है यह भाजपा के लिए एक विचित्र स्थिति पैदा करते नजर आ रहा है। फिलहाल इस पर बीजेपी के दूसरे दिग्गज बोलने से बचने भी नजर आए। अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ रहा है, और इस पैनल में कौन कौन है ये भी आपको बता देते हैं। हमारे साथ मंथन अंदर महाराज बाहर के अंतर्गत दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रज गोपाल लोया जी, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रजगोपाल लोया जी आपका रुख कर रही हूं और आपसे समझना चाह रहे हैं दरअसल कि ये नाराजगी क्यों, क्या हो गया अचानक से सिंधिया जी को कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, एक अहम बैठक थी कोर ग्रुप की, और उसे लगभग बैठक के 20 से 25 मिनट के अंदर ही छोड़कर चले गए सिंधिया जी।
इसे आप नाराजगी के रूप में कैसे ले सकते हैं? ये व्यक्ति के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो सकते हैं, और जैसा कहा गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो बैठक में आए, उन्होंने अपने विषय रखे होंगे मुझे लगता है, और उसके बाद उन्होंने बैठक से उन्हें जाना रहा तो वो चले गए। जहां तक कैलाश जी का सवाल है, उनके भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का और संवाद का दौर एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि संवाद हमारे यहाँ नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, और ये कहीं ना कहीं होता रहता है। अभी जिलों में भी कोर ग्रुप की होती है बैठक, आज प्रदेश में कोर ग्रुप की बैठक थी, और उसमें सिंधिया जी का जैसा बताया जा रहा है स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और अभी आपने आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि आदरणीय जटिया जी वो बता रहे हैं कि मैं लेट पहुंचा था, वो उस समय वहां नहीं थे। तो ये जो स्थितियां हैं ये कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, और कोई टकराहट किसी तरह की जिस तरह के कयास आप या लोग निकालना चाह रहे हैं उस तरह की कोई कयास नहीं है। सारा कुछ केवल इस पर है कि कोर ग्रुप की जो बैठक बुलाई थी उसमें लोगों के अपने अपने समय थे, उस समय पर लोग आए, नेतागण उनकी अपनी पूर्व व्यस्तताएं भी हैं, और जैसा कि सिंधिया जी के बारे में बताया गया कि उनका स्वास्थ्य वो बेहतर अनुभव नहीं कर रहे थे, तो बैठक को आधे अटेंड करके उनके जो विषय रहे उनको वो रखकर और चले गए। नहीं, ये तो बीजेपी कह ही रही है। अभी कुछ दिन पहले चूंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी इसी तरह गए थे बैठक में उठकर, और जब से ग्वालियर में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है तब से खबरें आती रही है, लोया जी कैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं ये हो रहा है ना आपकी पार्टी के अंदर, तो दिख रहा है। मेरी एक बात आप समझ लीजिए, ना तो आज तक सिंधिया जी ने कुछ कहा, ना आज तक आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कुछ कहा, दोनों ने कुछ नहीं कहा, तो आप और हमारे केवल कयास हो सकते हैं, और कयास कई बार वास्तविकताओं से बहुत दूर भी होते हैं। तो कयास लगाना एक अलग बात है और वास्तविकता होना एक बहुत अलग बात है। और मैंने आपसे जैसा कि पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में तो हम एक लक्ष्य और एक ध्येय के लिए अपना अपना विचार रखते हैं, अपने अपने जो हमारे एफर्ट होते हैं वो करते हैं, चाहे वो सिंधिया जी हों, चाहे वो तोमर साहब हों, चाहे जटिया जी हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हों, सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एफर्ट कर रहे हैं ना। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जब एफर्ट कर रहे हैं उसका सीधा सा मतलब है सिंधिया जी का आज का बयान भी आपने दिखाया है। आज के बयान में सिंधिया जी बता रहे हैं कि 23 और 24 में कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है। तो ये जो विषय है, ये विषय जो हमारे कई बार हम उसको कहते हैं सूत्रों के हवाले से, कभी हम कहते हैं कयास है, परंतु जरूरी नहीं होता है कि हर बार कयास सही है। लोया जी आज तो मुझे लग रहा है आप पूरा सोच के बांध के आए हैं बैठकर कि आज मैं मीडिया पर ही हावी रहूंगा और मीडिया को गलत बताता रहूंगा, क्योंकि मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं, अब वो नाराज होकर चले गए, इतने सारे सभी वरिष्ठ जन वहां बैठे हुए थे, वहां पर वी डी शर्मा जी बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए थे, प्रदेश भारी सभी लोग तो वहां पर बैठे हुए थे, इसके बावजूद चले गए। अब बीमार थे, ठीक है बीमार थे, अपनी बात कहने के लिए आए थे, जिस तरह उनके समर्थक कह रहे थे कि उनको बुखार था रात को 104, सुबह 102 था, उस बीच भी वो आए, तो आते जाते रहते हैं। आपने कहा तब भी ऐसा ही हुआ था जब माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी वहां से गए थे उठकर, तो ऐसा ही हुआ था, तो सर ये फिर कोर ग्रुप की मीटिंग का क्या मतलब, सिर्फ अपनी अपनी बात कहकर उठ जाना है, तो ऐसी कैसी मीटिंग्स चल रही है आजकल आपके यहाँ? नहीं सोनल जी, देखिए ये इस तरह से आप ना कहें कि अपनी अपनी बात, देखिए यदि उनको 104 बुखार था, आज सुबह 110 था, तो इसके बावजूद भी वो कल से उस बैठक में भाग लेने के लिए आए हुए थे। और ये जो अपना कयास है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्हें पहले से भी मालूम है कि कोर ग्रुप की बैठक में कौन कौन रहेगा, ये सबको मालूम रहता है कि कोर ग्रुप की बैठक में कौन कौन आएगा, जब वो उसमें शामिल होने के लिए ही दिल्ली से आए हैं और स्वास्थ्य को ठीक अनुभव नहीं कर रहे हैं तो वापस वो दिल्ली चले गए, कुछ देर बंगले पे उन्होंने विश्राम किया और वापस चले गए। मैं नहीं समझता हूँ कि इसके कोई बहुत अधिक राजनीतिक मायने। ठीक है, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि संदीप पौराणिक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका, और पौराणिक जी आपकी तरफ रुख करने से पहले सिद्धार्थ जी का पक्ष भी जान लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो कयास हम ही लगा रहे थे गोपाल लोया जी उनकी पार्टी में चल रहे समीकरणों के बारे में, कुछ कयास सिद्धार्थ जी ने भी लगाए हैं, क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी, मौके ही मौके मिल रहे हैं अब तो आपको? देखिए आपसे मैं पहले भी पूर्व में बोल चुका हूँ कि नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और एक बीमार भाजपा, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। और आप देखिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी की बात करती है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। अभी आप देखिए जब महापौर के हमारे जो चुनाव चल रहे थे, निकाय चुनाव चल रहे थे, उसमें देखिए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में क्या बढ़िया टीम बनकर उन्होंने बिंद अजय सिंह जी को दी, और अरुण यादव जी है ना मालवा संभाल रहे थे, सज्जन वर्मा जी संभाल रहे थे, शोभा ओझा जी संभाल रही थी, और दिग्विजय सिंह जी और
गुटबाजी करती है और खुद गुटबाजी से ग्रसित है और इस बात को आज भी स्वीकार नहीं कर रहे। ज्योतिराज सिंधिया एक ऐसा नाम है, उनके अंदर अहंकार और घमंड इतना है कि अगर उनकी बाल हट पे अगर वो आ जाते हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है, तो वो ऐसा रवैया। लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आई है सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? सिद्धार्थ जी तक मेरी आवाज़ जा रही है ना, उनकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है। संदीप पौराणिक जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, जो मीडिया में कयास लगाए जा रहे हैं, वो ठीक है, या जो गोपाल लोया जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रजगोपाल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ही लोग बैठे बिठाए जो हैं कयास लगाते हैं, आपके सूत्र बताते हैं, दरअसल ऐसा कुछ है नहीं। पौराणिक जी आप क्या समझ रहे हैं, ऐसा वाकई कुछ नहीं है? देखिए सोनम जी, आप एक चीज मान के चलिए, धुआं तभी होता है जब आग हो, तो कुछ तो है, अब उसे कोई स्वीकारे या नकारे। क्या आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि लोया जी कह देंगे हाँ सिंधिया जी नाराज होकर बाहर चले गए? ये संभव नहीं लगता। सिंधिया जी भी नहीं बोल पाए ये बात, तो हमारे विशेष संवाददाता उनसे जानना चाह रहे थे। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ तो है सोनम जी। अब वो क्या है, या तो पार्टी के प्रमुख नेता जाने या सिंधिया जाने, स्थितियां सामान्य नहीं है, संकेत है। जहां तक कहा गया कि 104 बुखार, तो क्या बंगले पर जाने के बाद दिल्ली जा सकते हैं अगर 104 के बुखार में, तो क्या पार्टी की बैठक या कोर ग्रुप की बैठक में नहीं बैठ सकते? बड़े सवाल हैं ये। और बात ये सही है कि चाहे ग्वालियर के अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला हो या सिंधिया के समर्थक मंत्रियों के पीएस के बदलाव का, ये बड़े विषय हैं, कोई सामान्य विषय नहीं है। क्योंकि सिंधिया को अगर ग्वालियर में ही कोई खो करेगा, तो फिर सिंधिया की राज्य की राजनीति में क्या हैसियत बचेगी? कहीं ना कहीं ये सवाल उनके दिमाग में है, उनके समर्थकों के बीच है। और आप नाराजगी, कभी जरूरी नहीं कि आप बयान देके नाराजगी जताएं, कई बार आपको ये तरीके अपनाने होते हैं कि जिससे संदेश जाए कि मैं आपकी कार्यशैली से, आपके कार्य करने के तरीके से संतुष्ट नहीं हूं। मुझे ये लगता है कि तबीयत भी खराब हो सकती है, और दूसरा कारण कहीं ना कहीं जो बदलाव हुए हैं हाल में वो भी हैं, और आने वाले समय में नगर निगम और मंडलों में जो नियुक्तियां होने वाली हैं उस वो भी एक बड़ा विषय है, और उसमें भी सिंधिया कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को लाना चाहते होंगे। मुझे लगता है कि ये स्थिति स्पष्ट तौर पर पार्टी ही कर पाएगी। महत्वपूर्ण बात एक और है कि सत्यनारायण जटिया संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, इसका आशय है कुछ तो है। अच्छा, उसके बाद कुछ समय के बाद कैलाश विजयवर्गीय जी भी उठकर चले गए, तो पहले से कुछ समीकरण बन रहे हैं, अब इसे भी किस तरह देखा जाना चाहिए? उनके समर्थक मंत्री तो गए ही है, कैलाश विजयवर्गीय भी वहां से उठकर चले गए हैं। फिलहाल सिद्धार्थ जी की आवाज शायद हम तक पहुंच रही है, एक बार फिर से सिद्धार्थ जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, आपकी आपकी बात इनकम्प्लीट रह गई थी, आप बता रहे थे कि वो बाल हट करते हैं, नाराज हो जाते हैं तब। अब आपने तो क्या है देखा है उनको, और आप तो जो है उनके साथ इतने समय रहे हैं, और यही हुआ था आपके यहाँ भी जब वो नाराज हुए थे। देखिए, ज्योतिराज सिंधिया एक नाम, एक जिद्द का नाम है। ये वो दीमक है जिन्होंने कई वर्षों तक कांग्रेस को अपनी जिद्द के आगे झुकाए रखा और चाटते रहे। आप देखिए जिस प्रकार से ये गए कांग्रेस छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में गए, तो आज वही रवैया जो कांग्रेस में था, वही रवैया आज वो भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं। और ये पूर्व में भी ये बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने बोल दी थी कि मैं जिद्द और ये इसके आगे झुकूंगा नहीं, भले ही पार्टी चली जाए। उन्होंने कहा मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा ऐसी सरकार, या मैं जो भारतीय जनता पार्टी से भी आने वाले जो ऑफर था, उन्होंने मैं ऐसी सरकार नहीं चाहता हूं कि किसी के भी सिद्धांतों के आड़े आए। और आज वही हो रहा है जो भारतीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो बोला था। और आप देखिए 23 में ये नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, बीमार भाजपा। आप देखिए एक तरफ जाते हैं वो अपने पुत्र से कैलाश विजयवर्गीय जी के पैर छुलवाते हैं, जो आज तक कभी अपने पैर छुलवाते थे और किसी के सामने झुकते नहीं थे, एक नया समीकरण बनता है। और गुप्त रूप से मीटिंगें होती है विगत 6 माह के अंदर, वो उसका परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये आगामी जो 23 का चुनाव है उसको देखते हुए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, शिवराज सिंह जी को हटाने की ये पूरी कवायद चल रही है, उसी प्रकार ये ज्योतिराज सिंधिया एक प्लानिंग के तहत ये पूरे उठ के गए।
ठीक है, एक प्लानिंग के तहत उठकर गए हैं। देखिए ब्रजगोपाल लोया जी, कितना इत्तेफाक कह रहे हैं आप कि उनकी तबीयत ख़राब हुई वो आए, लेकिन किस तरह इत्तेफाक है कि एक दिन पहले ही जो है इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई, तबादले हो गए। इकबाल सिंह बैस जो कि बेहद ख़ास माने जाते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत भरोसा करते हैं उन पर, और उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए जो ये तबादले किए गए उसे इस तरह से देखा जा रहा है। फिर नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि सिंधिया समर्थक मंत्रियों के भी जो पीएस बदले गए हैं, वो चाहते थे कि उनकी मर्जी के हों, लेकिन वहां भी नहीं चली, जिला अध्यक्ष में चली नहीं, वहां चली जहां पहले किसी एक समय में उनके धीरविरोधी कहे जाते थे, अब वो खत्म हुई है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले वो मीटिंग छोड़कर गए थे, अब ये मीटिंग छोड़कर गए हैं। तो ये तमाम चीजें एक साथ चल रही हैं, सब इत्तफाक नहीं हो सकता ब्रजगोपाल लोया जी। तो जो कांग्रेस कह रही है कि ये आरोप आप लगाते थे हमारे ऊपर कि गुटबाजी में बटी कांग्रेस है, और क्या अब वही स्थिति आपके यहाँ बन गई है? और जैसा कांग्रेस कहती आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आपके यहाँ जाएंगे तो वही स्थिति पैदा होगी, क्या वैसा ही कुछ हो रहा है? ठीक है सोनल जी, मैं एक बात बताऊंगा, आप कयास लगा सकते हैं, ये आपका तरीका है, परंतु कांग्रेस पार्टी क्या कयास लगाएगी? जिनके यहाँ तो एक नेता ये कह देता है कि मैं भले ही प्रभारी हूँ यात्रा का, मगर मेरा पोस्टर मत, मैं फोटो मत छापना। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विषय में भी कांग्रेस पार्टी उसी तरह से सोचती है जैसा इनकी पार्टी में होता है। परंतु मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में एक अलग टाइप का इकोसिस्टम है, जो कार्यकर्ता और कैडर और विचारधारा इनको साथ लेकर चलने वाला कार्यक्रम है, तो उसमें इस तरह के कयास लगाना कांग्रेस की समझदारी नहीं है। बल्कि आज स्थिति ये है कि कांग्रेस हमेशा ये अनुभव करती है कि जिस तरह हमारी पार्टी का कल्चर है, जैसे कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ राजावत जी को इस बात से भी ऐतराज है कि उन्होंने सिंधिया जी के बेटे ने कैलाश जी के पैर क्यों छुए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार नहीं है। तो आप हमेशा दूसरे के बारे में कि केवल समीकरण बनाने के लिए, राजनीति साधने के लिए, ऐसा सिद्धांत नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, हमारे पार्टी का कार्य करने का तरीका अलग है, उस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के फोटो गायब हो जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के फोटो गायब हो जाते हैं, और इन्हीं के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उसमें विज्ञापन देते हैं बड़े बड़े। अभी बोल रहे थे हमारे आदरणीय कि दिग्विजय सिंह जी आग्रह करते कि मेरा फोटो हटा दें, उन्होंने बहुत अच्छा आग्रह किया, उन्होंने कहा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका फोटो होना चाहिए, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका फोटो होना चाहिए, जो हमारे प्रभारी है उनका होना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और वो समन्वयक हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के और राहुल जी के साथ में, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो राहुल जी यात्रा में चल रहे उनका होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के आज जो दिग्विजय सिंह नामक जो एक हकीम है, जो इनके संघ को और भाजपा के लोगों को जो चुपता है, वो एकमात्र ऐसे हकीम है जो एक गोली देते हैं और ये लोग सब उचक जाते हैं। उसका कारण ही है क्योंकि उनको मालूम है कि संघियों को और भाजपाइयों को कौन सा डोज देना चाहिए, इसलिए इनको ये बुरा लगता है। अब रही बात, आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घर बैठा दिया गया है। आप ग्वालियर के अंदर देख लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी को देख लीजिएगा, आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बजरंग दल के, जिनका एक नाम हुआ करता था जयवान सिंह पवैया जी, वो नाराज घर में बैठे हुए हैं। तो महाराज भाजपा ने पूरी नाराज भाजपा कर दी है और सबको घर बैठा दिया, और वो अपनी बाल हट के अंदर, आप देखिए मंडलम सेक्टर, इससे पूर्व भी जो लिस्ट आई थी आप उसमें देखिए कितने निगम में उन्होंने एडजस्ट किए। आज जो मूल कार्यकर्ता था, जो दरी बिछाता था संघ की और भाजपा की, वो घर बैठे हुए हैं, और यही कारण है कि इसका विरोध करता बड़ा। आज जब सब एकजुट होके मंडलम और इनके सेक्टरों की जो मीटिंग होने वाली थी, और उसमें उन्होंने जब अपना विरोध रोष व्यक्त किया कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए आनंद फानंद में जो मीटिंग बुलाई गई थी, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि सिंधिया जी जो मूलभूत कार्यकर्ता है भाजपा का, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। देखिए सिद्धार्थ जी कितने अच्छे से समझ गए, सिंधिया जी उनके यहाँ से गए, अब उन्हें न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं की जो दरी बिछाते हैं उन तक की चिंता होने लगी है, कितना वो समझ गए। लोया जी आप समझिए आपके यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, वरना ग्वालियर का नतीजा, मुरैना का नतीजा, नगरीय निकाय चुनाव की बात कर रही हूँ सर, आप लोगों को वहां जो स्थिति है, आप लाख कहें कि कयास है, लेकिन सब कुछ दिख रहा है, तस्वीर में सब कुछ दिख रहा है कि आप, मुझे पता है आप वो बात कहेंगे नहीं, कह भी नहीं सकते जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर उम्मीद करूंगी कि आप स्थिति को देख लेना होगा। एक इशारा और किया सिद्धार्थ जी ने, नए समीकरणों की बात की है, गुप्त मीटिंग्स की बात की है, उमा भारती जी हीरा कह रही हैं, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं बहुत अच्छे नेता हैं, पैर पड़ने वाली बात सिद्धार्थ जी ने कह दी, बोलिए।
नहीं देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि सिद्धार्थ जी केवल कांग्रेस के चश्मे से सब चीजों को देख रहे हैं। अभी वो बार बार चर्चा कर रहे थे मंडलम 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 भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, सेक्टर की हमारे यहाँ कोई बैठक नहीं होती, हमारे सेक्टर नहीं होता है। वो जो नजरिया सिद्धार्थ जी आप बदलिए, कांग्रेस के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी को मत देखिए, इसे देखना बंद करिए। कहां नजरिया, यही तो पहले कर रहे थे सर, अब स्थिति देखनी होगी अपने यहाँ क्या हो रहा है। लोया जी नजरिया आप वो मत बदलिए, अपने यहाँ बदलिए, वो बेहद महत्वपूर्ण है। संदीप पौराणिक जी, सर बहुत कम वक्त है मेरे पास, संदीप पौराणिक जी मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या बीजेपी में अंतरकलह बढ़ रही है? क्या जो उमा भारती जी तारीफ करती है, कैलाश विजयवर्गीय जी उनकी तारीफ करते हैं, क्या वाकई नए समीकरण बन रहे हैं? ये अंतरकलह बीजेपी में बढ़ रही है तो आने वाले 2023 में मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए किस तरह का संकट हो सकता है? क्योंकि आज जो उन्होंने खुला मोर्चा खोला ना बैठक से निकलकर, बस उपेश में डाल दिया बीजेपी को। देखिए सोनम जी, भाजपा को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दौर ऐसा चल रहा है जब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आपने जैसी बात कही कि कोई नए समीकरण बन रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के अंदर कोई समीकरण बनेगा। बीजेपी में ना तो समीकरण बनता है ना समीकरण दिखता है कभी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर सिंधिया को अपनी हैसियत या यूं कहें अपना प्रभाव दिखाने की जरूरत पड़ रही है। उन्हें राष्ट्रीय हाईकमान का समर्थन हासिल है, कई ऐसे मौके आए, चाहे अभी ग्वालियर का प्रवास हो अमित शाह का, उसमें भी हमें नजर आया कि वो पार्टी हाईकमान के बहुत करीब है, तो तमाम नेता उनका समर्थन करते नजर आएंगे। लेकिन राज्य की सरकार या राज्य के संगठन में हो सकता है कि सिंधिया को यह लग रहा हो कि वो अहमियत नहीं मिल रही जो राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है और आने वाले दिनों में तस्वीर स्पष्ट होगी। अगर बीजेपी ने इसे संभालने की कोशिश नहीं की तो नुकसान तो होना तय है, ये मानिए सुनो। बिल्कुल, और 15 साल तक कांग्रेस को ये बता दिया कि आपसी गुटबाजी है तो फिर जनता आपको पसंद नहीं करती, तो अहमियत आपको ब्रजगोपाल लोया जी जनता को देनी होगी, उन्हें दीजिए, वरना नतीजे ग्वालियर जैसे आएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आने वाले वक्त में, क्योंकि एक बार फिर से वही सिनेरियो अब मध्य प्रदेश बीजेपी में बन रहा है। फिलहाल वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी दीजिए फिलहाल इजाजत। अखाड़ा में इतना ही, नमस्कार। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, अत्याधुनिक लेजर मशीन से पाए गोरापन, मनचाहा फेस प्रोफाइल, फेस लिफ्ट, गालों में डिम्पल। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, पचपेड़ी नागा और राजकुमार कॉलेज के सामने, रायपुर। पतंजलि के सीनियर साइंटिस्टों ने तैयार किया दंत कांति सेंसिटिव। इसकी 21 जड़ी बूटियां सेंसिटिविटी को दूर करके देती हैं दांतों और मसोढ़ों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान और अप्रतिम फ्रेशनेस। सभी प्रकार के कैंसर का सुरक्षित व विश्वसनीय इलाज अब एक ही छत के नीचे, बालको मेडिकल सेंटर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। कैंसर मुक्त समाज बनाने की ओर कार्यरत। प्रदेशवासियों एवं वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र वासियों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत रीता सिंह गिरा, MIC मेंबर।